गर्मियों में हो रहे स्किन पे चाहे किसी तरीके के प्रॉब्लम क्यों ना हो, टैनिंग हो या फिर आपके स्किन पे इरिटेशन हो रही हो या आपका स्किन काली पड़ गई हो ना, तो मैं समर में यानी गर्मियों में इस फेस पैक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेस पैक है जो मैं गर्मियों में बिल्कुल लगाना चाहती हूँ, पसंद करती हूँ और इसका इंस्टेंट रिजल्ट मुझे मिलता भी है। इसके सारे इन्ग्रीडियंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक सिंगल भी आपके स्किन को बहुत ज़्यादा बेटर ऑफ कर सकता है, आपके स्किन से हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है, चाहे ओपन पोर की समस्या हो, चाहे आपके स्किन पे हो रहे किसी तरीके के भी समर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसके लिए इस फेस पैक को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी। 1 टेबल स्पून आपको ले लेना है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नेक वेक सब में लगाना होता है, इस वजह से मैं थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई के बनाती हूँ। तो आपने 1/2 टेबल स्पून भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन से ना एक्स्ट्रा ऑयल को बिल्कुल हटा देता है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर आ रही है गर्मियों में स्पेशली, तो इसे ये ठीक करता है। एक कूलिंग कैपेसिटी देता है, आपके स्किन से टैन को रिमूव करता है और हमारे स्किन पे हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है चावल का आटा यानी राइस फ्लोर। आप सबको पता है कि राइस फ्लोर में इतने ज़्यादा प्रोटीन होते हैं जो हमारे स्किन से हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंटी एजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ब्राइटनिंग कैपेसिटी होती है, काला पड़ चुका है चेहरा, झावला हो चुका है, तो उसे भी ये ठीक करता है। साथ ही हमारे स्किन पे ग्लास स्किन जैसा ग्लो आ जाता है इसे लगाने से। तो आपने लेना है 1 टेबल स्पून, सेम क्वांटिटी में आपको चावल का आटा ले लेना। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोज पेटल पाउडर। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर से रोज़ बिल्कुल तोड़ करके उसे सुखा लें और सुखाने के बाद इसे पाउडर बेस में तैयार करके बिल्कुल एक डब्बे में छन्नी की हेल्प से छान करके एक पाउडर बेस में तैयार करके अपने डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप बिल्कुल रख सकते हैं अपने स्किन के लिए। तो यहाँ पे मैं सेम क्वांटिटी में रोज़ पेटल पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये हमारे स्किन से हो रहे इरिटेशन को बिल्कुल किल करता है, अगर आपके स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है इसे भी किल करता है, एक कूलिंग कैपेसिटी देता है, क्लींजिंग का काम करता है, ओपन पोर की समस्या को सॉल्व करता है, हमारे स्किन पे हो रहे जैसे हम कभी भी सन के कांटेक्ट में जाते हैं तो रेडनेस जगह जगह पे आ जाता है उसे भी किल करता है। तो आपको रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल वाटर से इसे मिला लेना है और अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल दिखा रही हूँ करके। आप यहाँ पर रोज़ वाटर का इस्तेमाल करके इसे मिला सकते हैं या फिर डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करके आप अपने स्किन के लिए इस पैक को बना सकते हैं। यकीन माने समर के लिए बेस्ट पैक है, मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ। इसमें सारे इंग्रेडिएंट ना आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेटर ऑफ करते हैं। अगर आपको कहीं स्पेशल ओकेजन में भी जाना है तो इस फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है अपने स्किन को ब्राइटन, ग्लोइंग और ग्लास स्किन दिखाने के लिए। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इसे हम वीक में 2 से 3 दिन कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, आपको फर्स्ट में एप्लीकेशन में ही रिजल्ट पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने स्किन को क्लीन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सेटाफिल क्लींजिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो जो भी क्लींजिंग आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो बेस्ट क्लींजर है कि आप कच्चे दूध से अपने स्किन को साफ कर लें। इससे पहले अगर आपने अपने फेस पे मेकअप किया है तो फेस वॉश स्क्रब करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो मेकअप है वो हट जाए, ताकि जो भी मैं पैक लगा रही हूँ ना वो ईजिली हमारे स्किन में पेनिट्रेट हो जाए ताकि उसका रिजल्ट अच्छी तरीके से हमें मिल जाए। तो मैं हर वीडियो में ये मेंशन करती हूँ। और एक बात जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वाले हैं या फिर आपको बहुत चीज़ों से एलर्जिक है तो इस पैक को बिल्कुल आप अपने पहले पैच टेस्ट ले लें अगर आपको मन है इस पैक को लगाने का, तो नहीं देन लीव, ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्किन को क्लींजिंग कर लिया है। अब इस पैक को मैं अपने स्किन पे लगा रही हूँ। आप हैंड के हेल्प से अपने पूरे स्किन पे जहाँ भी डार्कर एरिया है आप लगा सकते हैं, आप अंडर आइज एरिया में भी लगा सकते हैं, बट आपको उसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि हमारा जो यहाँ मुल्तानी मिट्टी है वो बहुत जल्दी सूख जाता है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई क्रैक्स आपके अंडर आइज एरिया में आए। तो आपको 2 से 3 मिनट रखने हैं, उसके बाद आपको स्वाइप अप कर देना है अंडर आइज एरिया के लिए स्पेशली। फेस में आपको 15 मिनट्स रखना होगा, उसके बाद ही आपको अपने फेस से हटाना है। गर्मियों में मैं इस फेस पैक को ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ अपने स्किन के लिए, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में जब मैं नहाने से पहले
चाहती हूँ कि मैं इसे अप्लाई करूँ अपने स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है ना, तो ये बेस्ट फेस पैक है, यकीन माने। ऑयली स्किन वाले तो आँख बंद करके इस फेस पैक का इस्तेमाल करें, और मुझे हॉनेस्ट रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा अपना। तो मैंने यहाँ पे अपने हैंड की हेल्प से चारों तरफ अपने स्किन पे लगा लिया है, जहाँ पे मेरा डार्कर एरिया है या फिर अंडर आइज एरिया है या फिर नोज़ के साइड में जो एरिया होता है, हर जगह पे आपको लगाना है। कहीं पे भी आप इसे जल्दी जल्दी करके निकलने की कोशिश मत कीजिए। यह आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऐड हुए हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मान लीजिए ना, अगर आप उसे सिंगल भी अपने स्किन पे लगा रहे ना, जितने भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ करी हूँ ना, तो भी वो हेल्पफुल है। तो इसका मिक्सअप कितना अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन पे इसे लगा लिया है। अब मैं 15-20 मिनट्स रखूँगी। वीक में 2-3 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ईयर के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। अगर बच्चे हैं, अगर करना चाहते हैं, स्किन पे टैनिंग आ रखी है, बहुत ज़्यादा काला पड़ चुका है, तो 10 साल से ऊपर बच्चों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो पैच टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी किसी तरीके का हार्म हो। तो मैंने यहाँ पे अपने फेस पे लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे 15 मिनट्स लगभग आपको रखना ही है, उसके बाद मैं बाथ लूँगी, और बाथ लेने के बाद मैं अपनी स्किन को आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लोर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बाथ ले लिया और मेरी स्किन जस्ट वाव हो चुकी है। मैंने यहाँ कोई मेकअप वेयर नहीं किया एक्सेप्ट सनस्क्रीन, लाइट लिपस्टिक एंड नथिंग, एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मेकअप नहीं किया, मैं बिल्कुल क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, दूर से दिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा लाइट कुछ भी नहीं है, मेरी स्किन जस्ट वाव हो चुकी है। और पता है सबसे बेस्ट बात क्या है, मेरी स्किन में ऑयल बिल्कुल नहीं है। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।